इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो आप अपने शोल्डर सर्जन से पूछ सकते हैं किसी भी शोल्डर के ऑपरेशन करवाने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक कंधे और घुटने का विशेषज्ञ हूँ पंजाब इंडिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या ऑपरेशन के बिना भी कोई ऑल्टरनेटिव है? सो बहुत बार ऐसा होता है कि शोल्डर की इंजरी में ऑपरेशन अनिवार्य नहीं होता। सो हम हमेशा अपने पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप का प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोलते हैं। अगर कोई भी शोल्डर इंजरी शुरू होती है तो सबसे पहले कुछ मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर उससे बात नहीं बनती देन वी हैव टू पुट कभी कभी कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और आखिर में अगर फिर भी नहीं बात बनती तो फिर हमें दूरबीन से शोल्डर की सर्जरी करनी पड़ती है। ये दूरबीन से शोल्डर की सर्जरी ज़्यादातर जो लिगामेंट्स की सर्जरी है उसमें की जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंधे की हड्डी टूट गई है, तो उसमें अगर वो कंधे की हड्डी टूटने के बाद टुकड़े बहुत ज़्यादा हैं या टुकड़े एक दूसरे से हिल गए हैं तो आपको ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो किसी भी शोल्डर सर्जरी करवाने से पहले आप अपने शोल्डर सर्जन से पूछिए कि क्या कोई और ऑल्टरनेटिव भी है बिना ऑपरेशन के। दूसरा सवाल, क्या अगर हम ऑपरेशन ना करवाएं तो काम चल सकता है? तो आप अपने शोल्डर सर्जन से जरूर पूछिए कि ऑपरेशन करवाने के क्या उनको बेनिफिट्स हैं, और अगर वो ऑपरेशन ना करवाएं तो क्या उनको नुकसान हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कंधे के स्नायु में कि जो लिगामेंट का टीयर है वो फट के पीछे की तरफ अभी सिकुड़ा नहीं होता। तो मैंने बहुत अपने पेशेंट्स में देखा है, कुछ पेशेंट किसी कारणवश ऑपरेशन नहीं करवाते तो उनका जो लिगामेंट है वो डिफ्रैक्शन या सिकुड़ के पीछे की तरफ चला जाता है। ऐसे में ये डिपेंड करता है भी पेशेंट की एज कितनी है। अगर तो पेशेंट अपने 40s और 50s के बीच में है तो मुझे ये लगता है भी आपको ऑपरेशन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ आपके कंधे का मूवमेंट कम हो जाएगा और आपकी बाजू की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। अगर आप अपने 70s और 80s में लेट में हैं तो आप अपना टाइम फिर भी काम चला सकते हैं। तो हमेशा आप अपने सर्जन से पूछिए कि अगर हम ऑपरेशन ना करवाएं तो हमें क्या नुकसान होगा या ऑपरेशन से हमें क्या बेनिफिट होगा। तीसरा सवाल, आप जब भी शोल्डर की किसी ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं और आप अपने सर्जन से जरूर पूछिए कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। शोल्डर ऑपरेशन एक बहुत ही टेक्निकली स्किलफुल ऑपरेशन है, तो ऐसे में दो तरह के ऑपरेशंस हमेशा शोल्डर में किए जाते हैं। कुछ तो होते हैं हड्डी के टूटने के बाद, हड्डी के टूटने के बाद तो उनको फिक्स कर दिया जाता है या उसको ऑपरेशन करके प्लेट लगा दी जाती है। और ज़्यादातर जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं लिगामेंट टूटने से या कंधा निकलने से। ऐसे में हम दूरबीन डाल के उस लिगामेंट को रिपेयर कर देते हैं, चाहे वो कंधा निकलने के वाला लिगामेंट हो या ऊपर स्नायु टूटने वाला। तो आप अपने शोल्डर सर्जन से जरूर पूछिए भी उन रिकवरी के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। ज़्यादातर पेशेंट्स में मैं जो रिकवरी का टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने बोलता हूँ, लेकिन इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा ये मानना है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक मैक्सिमम अगर लोग फिजियोथेरेपी भी कम करते हैं तो रिकवरी बहुत अच्छे से आ जाती है। सो जितने भी हम शोल्डर के ऑपरेशंस करते हैं, दूरबीन से लिगामेंट बनाते हैं, तो 3 से 6 महीने का जो रिकवरी का टाइम है वो एप्रोप्रिएट टाइम है। चौथा सवाल है कि आपके शोल्डर सर्जन ने अभी तक शोल्डर के कितने ऑपरेशंस किए हैं। शोल्डर ज्वाइंट एक बहुत ही टेक्निकली डिफिकल्ट ज्वाइंट है। शोल्डर ज्वाइंट में लिगामेंट के ऑपरेशन के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके बाद ही आप उसको कर पाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आपके जो शोल्डर सर्जन है वो फेलोशिप ट्रेंड हो इसमें और उन्होंने कितने ऑपरेशन अभी तक शोल्डर के किए हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपका शोल्डर सर्जन बहुत ही स्किलफुल है, एक्सपीरियंस है, तो उस ऑपरेशन का आउटकम भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो कभी भी आप अपनी शोल्डर सर्जरी करवा रहे हैं किसी के पास तो आप जरूर उनसे पूछिए कि आप फेलोशिप ट्रेंड हैं, आपने अभी तक शोल्डर की सर्जरी कितनी की हैं, आपने पिछले साल शोल्डर की सर्जरी कितनी की हैं और मुझे पूरी तरीके से ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। पांचवा सवाल, आप अपने शोल्डर सर्जन से जरूर पूछिए व्हाट आर द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर योर शोल्डर सर्जरी। आपकी शोल्डर सर्जरी के बाद कितना रिस्क है और कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो शोल्डर सर्जरी, दूरबीन वाली सर्जरी
एक बहुत ही आप लगा लीजिए खुला खाली वाली सर्जरी नहीं है। तो ऐसे में जो दूरबीन से बेसिकली ऑपरेशन हम लोग करते हैं उसकी रिस्क या कॉम्प्लिकेशन भी कम होती है। तो अगर आप लगा लीजिए उदाहरण के तौर पर घुटने का ऑपरेशन करते हैं या आप हिप का ऑपरेशन करते हैं तो उसके मुकाबले जो शोल्डर की सर्जरी के रिस्क और कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ही कम है। शोल्डर में इन्फेक्शन का रेट बहुत कम है, शोल्डर में आपकी जो ब्लड की सप्लाई है खून की नलियां की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जो रिपेयर है जो हीलिंग कैपेसिटी है वो शोल्डर ज्वाइंट की बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप डिटेल में बात करेंगे अपने शोल्डर सर्जन से तो वो आपको एक एक चीज इन्यूमरेट कर देंगे। अगर आपको किसी भी तरह की शोल्डर इंजरी हुई है, चाहे वो लिगामेंट की इंजरी हो, चाहे आपका कंधा निकलता हो, चाहे आपकी हड्डी टूट गई हो या आपका कंधा बिल्कुल ही खराब हो गया हो, तो आप हमें नीचे लिखे हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।